स्टूडेंट्स आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर द डेली सल्तनत। तो चलिए शुरू करते हैं जब हम टेबल वन पे देखेंगे तो हम ये पता चलेगा कि डेली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमार राजपूत्स, हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ ट्वेल्थ सेंचुरी बाय द चौहान्स ऑल्सो रिफर टू एस चौहमनाज ऑफ अजमेर इट वॉज अंडर द तोमार एंड चौहान्स दैट डेली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर मेनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स सर्कुलेशन तो ट्वेल्थ सेंचुरी के पहले हमें दिल्ली की ऐसी इंपॉर्टेंस देखने को नहीं मिलती है सबसे पहले तोमार राजवंश और उसके बाद चौहान्स के अंडर दिल्ली एक मेजर कमर्शियल सेंटर बनकर उभरा जब यहाँ कई सारे जैन ट्रेडर्स सेटल हुए और कई सारे टेम्पल्स यहाँ पर उन्होंने बनाए यहाँ पर जो कॉइन्स मिंट किए जाते थे मतलब जो कॉइंस यहाँ पर बनाए जाते थे उन्हें वाल कहा जाता था और इनका एक वाइड सर्कुलेशन होता था यहाँ के ट्रेडर्स के कारण द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेली इन अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टड विद द फाउंडेशन ऑफ द डेली सल्टेट इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्टीन सेंचुरी तो जो डेली सल्टनेट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी के अंडर पहली बार डेली इतने वास्ट एरिया के कंट्रोल में आई और इतने वास्ट एरिया की कैपिटल बनी टेक अ लु एट टेबल वन अगेन एंड आइडेंटिफाई दाइव डेनेस्टीज़ दैट टुगेदर मेट द डेहीट द डेली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द ए एरिया दैट वी नाउ नो एज डेली लोक एट मैप वन एंड लोकेट डेली कूनहा सीरी एंड जहान पना तो यहाँ के जो डेली सुल्तान बने इस सल्टेनेट में उन्होंने कई सारे कैपिटल्स बसाए अपने अपने शहर बसाए इनमें से जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनके बारे में इस मैप में दिखाया गया है सिरी जहान पना और डेली कूनहा आप देख सकते हैं ये सारे रीजन एक के मतलब एक दूसरे से पास ही हैं इसके साथ ही फिरोजाबाद ऊपर कोटला है जहां पर वहां पर देखा जा सकता है और तुगलकाबाद और आदिलाबाद भी यहाँ पर देखने को मिलता है ये टेबल रूलर्स ऑफ दिल्ली के बारे में हमें बताता है कि कौन कौन से रूलर्स कितने सालों तक दिल्ली पर राज किए सबसे पहले तोमार्स इनके जो मेजर रूलर्स थे अनंगपाल चौहान स्केडर पृथ्वीराज चौहान जो कि 1175 से 1192 तक यहाँ पर राज किए 1192 में जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हुई थी जिसके बाद यहाँ पर मेजर दिल्ली सल्टनेट की नींव रखी गई थी सबसे पहली जो सल्टनेट थी ये अर्ली टर्किश रूलर्स जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है ये ममलोक डायनेस्टी भी इसे कहा जाता है ममलोक स्लेव्स को ही कहा जाता था तो इस डायनेस्टी के जो मेजर रूलर्स थे वो किसी न किसी फॉर्म में पहले स्लेव्स हुआ करते थे अपने पिछले रूलर के और उन्हीं की डायनेस्टी ये ममलूक डायनेस्टी कहलाती है सबसे पहले यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इलतुतमिश रज़िया और ग्यासुद्दीन बलबन रज़िया डेली सुलटनेट की इकलौती मेजर वुमन क्वीन हम कह सकते हैं इन्होंने अपने नाम के आगे सुल्तान का टाइटल लगाया था क्योंकि सुल्ताना उस समय की क्वीन जो कि किंग की वाइफ को रिफर करने के लिए कहा जाता था तो ये अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाने के लिए सुल्तान का टाइटल इन्होंने लिया था बलबन गयासुद्दीन बलबन की भी कई सारी स्टोरीज हमें देखने को मिलती है ये भी एक स्लेव हुआ करते थे उस समय और क्या हुआ था कि रज़िया सुल्तान के जो रूल था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल झेलने को मिला था इलतुतमिश के बेटों के बीच और ये कहा जाता है कि इलतुतमिश ने रज़िया को इसीलिए राजा बनाया था या फिर वहाँ की गद्दी दी थी क्योंकि उसके बेटों की रूलिंग की जो कैपेसिटी थी वो अच्छी नहीं थी अगला आता है खलजी डायनेस्टी जिसके रूलर जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी जिसके अंदर ग्यासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक आते हैं सईद डायनेस्टी खिज्र खां इसके मेजर रूलर थे सईद डायनेस्टी एक काफ़ी कम सालों तक राज की थी दिल्ली पर और ये एक माइनर डायनेस्टी के रूप में ही जानी जाती है दिल्ली सल्टेट के अंदर लोधी डायनेस्टी बहलूल लोधी और इसके आगे इब्राहिम लोदी भी इसके रूलर थे जिन्हें बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में हराया था उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसके बाद जो मुगल एम्पायर के का चैप्टर है उसमें भी इसकी मेंशंस हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द डेही सल्टान्स ऑल दो इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज तारीख तवारीख रिटर्न इन पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडली सुल्तान तो डेली सुल्तान के कोर्ट में पर्शियन को ही यूज किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में ये आप याद रखें अगला है द ऑथर्स ऑफ तवारीख व लर्नड मैन सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेटर्स पोयट्स एंड कोर्टियर्स बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर ऑन गवर्नेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल यहां पर फोर स्टेजेस ऑफ मेकिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में दिया गया है मैनोस्क्रिप्ट ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ करता था जो कि हम पुराने बुक्स के रूप में इन्हें देख सकते हैं मैन्योस्क्रिप्ट में लोग खुद से ही लिखा करते थे और जैसा हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पेपर बनाने का भी एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था पहले पेपर बनाया जाता था फिर वहाँ पर लोग खुद बैठ कर उन मैनोस्क्रिप्ट को लिखा करते थे वो गोल्ड से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और पैसेजेस को हाईलाइट करते थे ये आप जनरली उस समय के आ, टेक्स्ट में देख सकते हैं कि कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मेटल से मार्क किया गया है इसे हम हाइलाइटर की तरह देख सकते हैं प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग तो बाइंडिंग का काम लास्ट में किया जाता था द सर्कल ऑफ जस्टिस फखर इ मदबर रोट इन द 13th सेंचुरी अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन लिव विदाउट सैलरीज सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पेसेंट्स बट पेसेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी दिस हैपन्स वैन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट ये हम लोग देख सकते हैं कैसे सारे जो सिस्टम्स उस समय मौजूद थे वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे किंग सर्वाइव नहीं कर सकता था सोल्जर्स के बिना सोल्जर्स को अपने सर्वाइवल और किंग को सर्व करने के लिए सैलरीज की जरूरत होती थी ये सैलरीज उस टैक्स से आता था जो कि पेजेंट्स देते थे और पेजेंट्स हाई टैक्स दे सकें इसलिए किंग को ऑनेस्ट और होता था और जस्टिस डिलीवर करनी होती थी इस तरह देख सकते हैं कि अगर किंग एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा के द्वारा इस रेवेन्यू से वो ज्यादा सोल्जर्स रख सकता है और वो अपने किंगडम को प्रॉस्परस और हैप्पी भी बना सकता है Keep the क्योंकि तबारख़ में जनरली हमें सिटीज़ के बारे में देखने को मिलता है और जो विलेज लाइफ हुआ करती थी उस समय के डायनेस्टीज और एम्पायर्स में वो उनके बारे में हमें कम ही पता चलता है इन तवारीखों से दे ऑफिन रोड देयर हिस्टरीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार मतलब वो सुल्तान उन पे उन्हें रिवॉर्ड किया करते थे इन हिस्ट्रीज़ को लिखने के लिए तो जनरली यहाँ पर काफ़ी बायाज्ड हमें देखने को मिलता है ये जो टेक्स्ट्स लिखी गई हैं मतलब वो कई बार क्या करते थे कि सुल्तान की वाहवाही के चक्कर में जो असली सिचुएशन थी उस जगह की उसके बारे में नहीं लिख पाते थे दे ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंगशंस द आइडियाज वर नॉट शेयर बाई एवरीबडी यहाँ पर हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि वो लोग एक आइडियल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी को मानते थे जहाँ बर्थ राइट फॉलो हो और जेंडर डिस्टिंक्शन हो मतलब विमेन का जो एक ट्रेडिशनल माइंडेड एक ऑर्थोडॉक्स माइंड सेट है उसके हिसाब से ये लोग क्लासिफिकेशन करना चाहते थे जेंडर के बेसिस पर मतलब ये वुमेन को घर का, का काम और मेन को बाहर का, का काम करने पे भरोसा रखते थे इसके साथ ही ये लोग बर्थ राइट पे भरोसा रखते थे मतलब जो आ, हाई नोबल्स थे उनके बेटे या फिर उनके जो वंशज थे वही लोग आगे चलकर नोबल्स या किंग्स बन सकते थे और इस सिस्टम से पेजेंट्स को काफी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था इन टर्टी सिक्स सुल्तान अल्तुत डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाजी सिराज रिकोगनाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड ऑल हर ब्रदर्स बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर नॉर द नोबल्स हैप्पी एट हर टू रूल इंडिपेंडेंटली शी वॉज रिमूव फ्राम द्रोन एटेल्व फोर्टी तो जैसा हम लोग देख सकते हैं रजिया सुल्तान का जो रूल था वो सिर्फ चार साल के लिए ही रहा लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज था उस समय की सोसाइटल नॉर्म से उस समय की सोसाइटल ऑर्डर से तो इस चेंज को रेजिस्ट किया वहाँ के नॉबल्स ने और जो वहाँ के क्रॉनिकलर थे मिनहाज़ सिराज वो मानते थे कि रज़िया सुल्तान एक बेटर रूलर है अपने भाइयों से लेकिन वो रज़िया सुल्तान को राजा बनते मतलब वहाँ का सुल्तान बनते देख खुश नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि वुमेन को ऐसा इंपॉर्टेंट पोजिशन नहीं दिया जाए वॉट मिनाहाजी सिराज रोट अबाउट रजिया Minaji Siraj thought that the Queen's rule went against the ideal social order created by God, in which women was supposed to be subordinate to men. He therefore asked, in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain uh, from all her excellent qualities? On her inscriptions and coins, Raz Yam mentioned that she was the daughter of Sultan Il Tutmish. This was in contrast to Queen Rudrama Devi. of the Kakatiya dynasty of Warangal, part of modern Andhra Pradesh. Rudrama Devi changed her name on her inscription and pretended that she was a man. Another queen, Didda, ruled in Kashmir. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, an obviously affectionate term given to the loved ruler by her subjects. तो यहाँ पे रजिया सुल्तान के रूल को कंपेयर किया गया है उस समय की बाकी जो फीमेल रूलर्स थी उनके रूल से रुद्रमा देवी ने अपने इंस्क्रिप्शंस में अपना नाम बदल दिया और वो प्रिटेंड करती थी कि वो एक मैन है ताकि उस समय के सोशल ऑर्डर के हिसाब से वो रूल कर सकें बिना ऑपोजिशन के यहाँ एक और कॉन्ट्रास्ट हमें दिया गया है डिड्डा का जो कि कश्मीर की रूलर थी लेकिन वो काफ़ी पॉपुलर रूलर यहाँ देख कर लगता है कि वो काफ़ी पॉपुलर रूलर थी क्योंकि डिड्डा का जो टर्म है वो दीदी से इंस्पायर्ड लगता है जो कि अफेक्शनेटली वहाँ की जनता ने उन्हें दिया होगा अगला है फ्रॉम गारेसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द डेली अर्ली थर्टीन सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ डेली सुल्तान रेयली बियॉन्ड बियॉन्डली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाई गैरिसम कंट्रोल हिंटरलैंड ऑफ सिटीज एंड वेयर फॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाई मतलब उनके जो रूल्स होते थे वो जनरली सिर्फ किसी फोर्ट के अंदर मतलब जो किले होते हैं जो गैरिसन्स होते हैं उन तक ही सीमित रहते थे और जो आम जनता की ज़मीन होती थी बाहर जिसमें खेती होता था जिसमें मार्केट्स होते थे वहाँ तक ज़्यादा उनके रूल नहीं पहुँच पाते थे इसके कारण उन्हें जो सप्लाईज़ होती थी खाने वगैरह की उसके लिए ट्रेड पर या ट्रिब्यूट पर निर्भर होना पड़ता था या फिर कभी कभी उन्हें लूट पाट पर भी उतरना पड़ता था अपने डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए Controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from, Sin from Delhi were extremely difficult. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of Sultan's weakness. The Sultanate barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of Gyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. मतलब डेली सटेट के रूलर्स के सामने क्या क्या डिफिकल्टीज थी शुरुआती रूलर्स के सामने वो यहाँ पर दिखाया गया है गैरेसेंट टाउन्स का जो सिस्टम था वो काफ़ी इफेक्टिव नहीं होता था लंबे समय के लिए क्योंकि ऐसे गैरेसेंट टाउन्स में जो पहुँचने के रास्ते होते थे वो हो सकता है बैड वेदर के कारण खराब हो जाए इससे जो डिस्टेंट एरियाज जैसे बंगाल या यहाँ हम लोग देख सकते हैं सिंध जैसे एरियाज़ थे यहाँ पर रूल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था दिल्ली सल्टेनेट का जो मेजर कंसोलिडेशन आया वो गियासुद्दीन बलबम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर आया इनके पहले जो होते थे रूलर्स उन्हें काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टीज थी उनमें मंगोल एक्सपेंशन भी एक मेजर फैक्टर था अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो मंगोल एम्पायर एक मेजर एम्पायर हुआ करता था उस समय का ने लगभग आधी दुनिया पर राज कर लिया था उनका रूल चाइना से लेकर चाइना ईस्ट में लेकर यूरोप वेस्ट तक फैला हुआ था। उन्होंने जो आते थे वेस्ट एशिया के अंडर उन पर भी काफी कंट्रोल बना लिया था वो लोग इंडिया में घुसने की कई बार कोशिश करते थे और उसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ सल्ट Aimed at consolidati uh, consolidating the hinterlands of, of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter gatherers and pastoralists expelled from their habitat. These lands were given to peas peasants and agriculture was encouraged. New fortresses, garrison towns, and, to uh, and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade. Matla आ, जो पहला कंसोलिडेशन आया वो क्या था कि हिंटर लैंड को बढ़ाने के लिए था वहाँ पर जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे फॉरेस्ट में और जो फॉरेस्ट में रहने वाले बाकी लोग थे उन्हें वहाँ से हटाकर फॉरेस्ट्स को क्लियर करके वहाँ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया इससे इंश्योर किया गया कि जो गैरिसन टाउन्स थे उन्हें खाने पीने और बाकी रसद का सामान मिलता रहे इसके साथ ही और नए टाउन्स भी इस्टेब्लिश किए गए ताकि जो ट्रेड रूट्स थे उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्टनट मिलिट्री एक्सपेडिशन अलॉन्ग सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कलमेटेड विद मोहम्मद तुगलक इन द कैंपेन्स सल्तनत कैप्चर्ड एलिफेंट्स हॉर्सेज एंड स्लेव्स एंड कैरीड अवे अवेस मेटल्स अगला जो सल्टनेट का फेज़ आया एक्सपेंशन का हम कह सकते हैं वो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स की तरफ आया इसमें साउथ इंडिया के जो कैंपेन्स थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के वो मेजर कैंपेन्स माने जाते हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था उस समय के सल्टनेट के ट्रेजरी को क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा गोल्ड सिल्वर वगैरह इन जो रिच सदर्न किंगडम्स थे वहाँ से लूट कर ले आते थे यही नहीं उन्हें हॉर्सेज एलिफेंट्स और स्लेव्स भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिल जाते थे और इससे वो इन कैंपेन्स को आ, करने में काफ़ी प्रॉफिटेबल मानते थे बैट द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक सुरन वन फिफ्टी ईयर्स आफ्टर सम वॉट हम्बल बेगिनिंग्स द आर्मीज ऑफ डेली अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज द सल्टेट कलेक्टेड टैक्सेज फ्राम द प्रेजेंट्री एंड जस्टिस इन इट्स रिम बट हाउ कम्प्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी अब हम लोग जानेंगे कि इतने जो ज्यादा ज़मीन इन्होंने कब्जा कर ली थी क्या इनका रूल उतना इफेक्टिव रहा इस एरियाज में या फिर ये लोग एक आ, हम कह सकते हैं आ, बस नाम के राजा बनकर रह गए थे इन रीजन्स में तो हम लोग समझने की यहाँ कोशिश करते हैं सबसे पहले द मस्जिद के बारे में यहाँ बात की गई है अ मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद एन आरबिक लिटली अ प्लेस वे अस्लिम Prostrates in reverence to Allah. In a uh, congregational mosque, Masjidi Jami or Jama Masjid, Muslims read their prayers together. Members of the congregation choose the most respected learned male as their leader, Imam, for the rituals of prayer. He also delivers the sermon Khutbah during the Friday prayers. During prayer, Muslims stand facing Mecca in India, this is to the west. This is called Qibla. So, uh, Muslims ke jo religion hai, Islam. ये मैका में इनके इनकेजन्स पाए जाते हैं मैका और मदीना के सिटीज़ में इसीलिए ये लोग इंडिया में वेस्ट की तरफ फेस करके आ, जो अपने प्रेयर्स होते हैं उन्हें प्रे करते हैं अपने गॉड्स को प्रे करते हैं इसके लिए जो स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाते हैं मस्जिद वो दिल्ली सटनेट के आर्किटेक्चर का एक मेजर फैक्टर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कवतल असलाम मॉस्क और मिनरट जिसे ट्वेल्थ सेंचुरी में बनाया गया था उसकी पिक्चर भी यहाँ पर दी गई है ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का भी यहाँ पर फोटो दिया गया है यहाँ हम लोग देख सकते हैं कुतुब मीनार के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा बच नहीं पाए हैं लेकिन जो पुरानी सिटी में ये हो सकता है कि काफ़ी ग्रैंड स्केल पर एग्जिस्ट करते होंगे यहाँ पर हम एक और मॉस्क का एग्जाम्पल देखते हैं द दे बेगमपुरी मॉस्क जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बना था ये मेन मॉस्क था जहाँ पना जो कि सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो कैपिटल uh, था जहानपना वहां पे जो मेजर मॉस्क बनाया गया था उसे ही बेगमपुरी मॉस्क कहा जाता है ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकता है एग्जाम्स में तो डेली सुल्तान मॉस्क इन सिटीजर टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंडिम्स मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट असमुनिटीवर्सलीफ सिस्टम

फैक्ट को री करने के लिए ऐसे मॉस्क जगह जगह मेजर सिटीज में बनवाए थे ये मॉस्क मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए भी काफी काम आते थे और इसीलिए हम देख सकते हैं कि आज के इंडिया में भी मुस्लिम ज्यादा यूनाइटेड हैं बाकी की दुनिया से अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड यहाँ पर हम लोग खलजीज और तुगलक डायनेस्टीज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे उनके बारे में देख सकते हैं हमें मेजरली इन्हीं दो डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है क्योंकि इन्हीं दोनों ने जो दिल्ली सल्तनत के मेजर रिफॉर्म्स हुआ करते थे और जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम्स थे वो इन्हीं दो डायनेस्टीज ने कंसोलिडेट और रिफॉर्म किए थे द कंसोलीडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट एज अनेट नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड रादर दैन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रैट्स एंड लैंडेड चीफ गवर्नर्स

उन्होंने री कैसे किया था कि जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पोजिशन हुआ करते थे गवर्नर्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स के इन्हें वो लोग किसी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को नहीं देकर इन्हीं स्लेव्स को दे दिया करते थे स्लेव्स ज़्यादा रिलायबल होते थे और अपने सुल्तान के प्रति काफ़ी लॉयल हुआ करते थे आ, वो अपने सुल्तान पर ही इतने ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे कि सुल्तान उन पर रिलाई कर सकते थे लैंडेड एरेस्टोक्रेसी के अंडर जो इनफेक्टिवनेस और करप्शन देखने को मिलती थी वो भी जनरली इन स्लेव्स के अंडर नहीं देखी जाती थी और इसीलिए ये एक बेहतर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उस समय में स्लेव्स रादर देन द रैदर वर सन अ स्लेव होम वन हैज ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुकड आफ्टर फॉर इट्स नीड्स फॉर इट नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंडी एंड एक्सपीरियंस स्लेवन सेड वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर को मिलता है कि एक स्लेव को सन से बेटर बुलाया गया है क्योंकि वो ज्यादा लॉयल और स्लेव हुआ करता था उस समय का और इसीलिए उसके द्वारा जो स्थापित की गई डायनेस्टी थी उसे स्लेव डायनेस्टी या ममलूप डायनेस्टी कहा जाता है दलजीज एंडलक्स बन दल्सो रेस पीपल ऑफ हमल बर्थ

उतने लॉयल नहीं होते थे इसीलिए जो सुल्तान के बाद अगले सुल्तान बनते थे मतलब जो सुल्तान के बेटे राजा अगर बने तो वो अपने नए स्लेव्स को उन पोजीशंस पर अपॉइंट कर देते थे इससे ओल्ड और न्यू सिस्टम के बीच में एक टसल देखने को मिलता है एक फ्रिक्शन देखने को मिलता है यही नहीं जो एलिट क्लास हुआ करता था उस समय का उसे भी ये सिस्टम पसंद नहीं था क्योंकि वो सोचते थे कि ऐसे लो बॉन्ड लोगों को इतने हाई पोस्ट्स पर प्रमोट नहीं करना चाहिए ये एक पर्शियन तवारिक में भी क्रिटिसाइज किया गया है दिल्ली of सु, सु, सुल्तान को ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खमार अ वाइन डिस्टिलर फिरूज हज्जाम अ बारबर मंका तब्बाक अ कुक एंड टू गार्डनर्स लाधा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स जियाउद्दीन बरानी

खराब हो चुके हैं और उन्हें राज करने की मतलब जो क्षमता थी राज करने की जो कैपेबिलिटी थी वो अब खत्म हो चुकी है ये एक ट्ट की तरह देखा जा सकता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इतने मतलब लो बॉर्न पीपल लो ऑक्यूपेशन पीपल को उठाकर हाई एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक्स पर डाल दिया था लाइक द सुल्तान द खलजी एंड तुगलक मोनाक्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज Of varying sizes. These lands were called ikta and their holders were called ikta or mukti. The duty of the muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their ikta's. In exchange for their military services, the muktis collected the revenue of their assignments as salary. They also paid their, paid their soldiers from these revenues. Control over muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned ikta's for a short period of time before being shifted. These harsh conditions of service was rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by Muktis. Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इकताज होते थे उन्हें जो इकतादार कंट्रोल करते थे या जो मुक्ति कंट्रोल करते थे वहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रिक्ट सिस्टम इम्पोज किया गया था इस सिस्टम के अंदर जो इकताज के हेड होते थे जो मुक्ति होते थे उन्हें ज़्यादा दिनों के लिए ये एक एकता अपॉइंट नहीं किया जाता था इससे जो चेंज ऑफ सर्विसेज होती रहती थी इसके कारण वो एक कंट्रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते थे और इससे जो रेबेलियन के चांसेस थे वो भी कम हो जाते थे यही नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेंट्स अपॉइंट करते थे मुक्तिज़ के काम को ओवरसी करने के लिए इससे जो करप्शन होता होगा अगर तो वो भी कम किया जा सकता था यही नहीं इससे ये भी इंश्योर किया जाता था कि मुक्तिज उतने ही टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे जितना कि स्टेट ने कहा था और वो एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स भी मेंटेन कर ले रहे थे ये लोग मिलिट्री जनरल्स हुआ करते थे और जब भी लड़ाई पर जाना होता था किंग को तो ये इन जनरल्स को कॉल कर लेते थे, थे कि आप अपनी सेना लेकर आइए और हमें हमारी आर्मीज को हेल्प करिए इस वॉर में As the Delhi Sultans brought the hinterland of cities under their control they forced the landed chieftains the samanta aristocrats the rich landlords to accept their authority and under Alauddin the Khalji the state board the assessment and collection of land revenue under its own control the rights of the local chieftains to levy taxes were, were cancelled and they were forced to pay taxes the sultans administrators measured the land and kept careful accounts some of the old chieftains and landlords served the sultanate as revenue collectors and access असेसर्स देर व्री टाइप्स ऑफ टैक्सेज ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खराज फिफ्टी परसेंट ऑफ द प्रेजेंट प्रोड्यूस ऑन कैटल एंड ऑन हाउसेज यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो सामंथ हुआ करते थे जो कि एरिस्टोक्रैट्स थे पुराने ज़माने के उन्हें दिल्ली सुल्तनत ने अपनी कंट्रोल में ले आया था अलाउद्दीन खिलजी के अंडर ये सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव किया गया था और आ, ये लैंड्स को काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से असेस करके वहाँ पर टैक्सेस सेट किए गए थे जो कि वहाँ के लोगों को पे करने थे यही नहीं जो सामंत हुआ करते थे उनसे उनका राइट ले लिया गया था टैक्स लेने का और जो स्टेट होती थी वो ही वहाँ पर ऑफिसर्स अपॉइंट करके टैक्सेस कलेक्ट किया करती थी कभी कभी इन सामंतों को दिया जाता था कुछ पोजिशन ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ पर असेसमेंट की ज़रूरत होती थी या कलेक्शन की ज़रूरत होती थी इससे ये देखा जा सकता है कि जो दिल्ली सर्टेनेट थी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा मजबूत होती जा रही थी और जो सामंताओं की जो कंट्रोल हुआ करती थी पुराने जमाने में वो अब वीक होते जा रही थी यहाँ पर तीन तरह के टैक्सेस की बात की गई है एक खराज जो 50 परसेंट होता था प्रेजेंट के प्रोड्यूस का और कुछ कैटल और हाउसेस पर भी टैक्सेस लगाए जाते थे उस जमाने में इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ दब कॉन्टिनें रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द डेही सल्तान

कभी कभी मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी जैसे रूलर्स के अंडर ऐसा रूल इस्टेब्लिश हो जाता था लेकिन ये रूल भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता था बंगाल जैसे रीजन्स काफ़ी दूर थे दिल्ली के और काफ़ी ज़्यादा रीजन्स फॉरेस्ट्स के अंडर भी आते थे वहाँ लोकल चीफ्टन्स ने अपनी सरकार बना ली थी और जनरली दिल्ली सुल्तानस का कंट्रोल इन रीजन्स पर नहीं होता था अगला है चीफ्टन एंड देयर फोर्टिफिकेशन Ibn Batuta, a 14th century traveller from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes, so Ibn Batuta happe accounts the, unka ek, uh, part diya gaya hai, fortified themselves in mountains in rocky and even and rugged places, as well as bamboo groves. In India, the bamboo is not hollow, it is big, its several parts are so intervened that even fire cannot affect them. And they are on the whole very strong. The chieftains live in these forests which serve them as ramparts, inside which

मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन बनाने के लिए ये इन फोर्टिफिकेशन को भेद पाना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि फायर इन्हें अफेक्ट नहीं कर पाता था साथ ही साथ वाटर की भी की भी अवेलेबिलिटी अंदर होती थी क्योंकि ये लोग रेन वाटर को कलेक्ट कर लिया करते थे इसीलिए कभी ही कभी जो स्ट्रॉगेस्ट आर्मीज थी इस एम्पायर की सिर्फ वही आर्मीज इन चिफ्ट को सबड्यू कर पाई थी और बाकी समय ये चिफ्टेंस मोस्टली इंडिपेंडेंट ही रहा करते थे The Mongols under Genghis Khan invaded Trans Oxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaughts soon after. Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the years of Muhammad Tughlaq's rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultans dealt with this. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो दो सुल्तान थे इन्होंने मंगोल इन्वेजन के कारण अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे उन्हें लाया यहाँ पर ये यह जो डेट है वो याद रखना जरूरी है क्योंकि 1219 में मंगोल्स ने ट्रांस ऑक्सियाना पर कंट्रोल कर लिया था जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान का रीजन है मंगोल इन्वेजन के बारे में मैंने कुछ देर पहले भी बात की थी और इसके बारे में बाद में भी बात होगी जब मुगल्स का रूल देखा जाएगा इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी Delhi was attacked twice in 1299, 1300, and 1302, 1303. As a defensive measure, Alauddin Khilji raised a large standing army. Alauddin Khilji made a standing army banal in Mongol invasions. Ke the Sultanate was attacked in the early years of Muhammad Tughlaq's reign. The Mongol army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transoxiana. He therefore raised a large standing army. मोहम्मद तुगलक ने भी एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी लेकिन ये डिफेंस के लिए नहीं थी वो चाहता था कि वो खुद ईरान पर हमला करके ट्रांस पर कंट्रोल कर ले इसीलिए उसने एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी और अपने रिसोर्सेज पर उसे भरोसा था कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ट्रांस ऑक्सियाना का कैंपेन वो पूरी तरह से कर पाएगा अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स सिरी के टाउन में Uh, उसने अपने सोल्जर्स को रखने के लिए एक नया टाउन बनाया रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गारिसन टाउन द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर सिटीज ऑफ डेली डेली ई ऑफ दौलताबाद इन द साउथ मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद अपना कैपिटल शिफ्ट करने का फैसला लिया था ये एक मेजर पॉलिसी फेलियर माना जाता है उसके रीन का क्योंकि दौलताबाद जाने के लिए दिल्ली से ज़्यादा रास्ते नहीं थे और कई सारे लोग बीच रास्ते में ही मारे गए थे ये एक मेजर पॉलिसी फेलियर था जिसके बारे में शायद हम लोग आगे भी बात करेंगे कि कैसे दौलताबाद शिफ्ट करने का उसका डिसीजन भी उसके बैड डिसीजन में गिना जाता है the soldiers had to be fed this was done through the produce collected as tax from lands between ganga and yamuna tax was fixed as 50% of the peasants yield हमने ऊपर देखा कि जो टैक्स लिया जाता था वो 50% होता था पेसेंट्स के यील्ड का और इसे ही यूज किया जाता था सोल्जर्स को फीड करने के लिए produce from the same area was collected as tax to feed the army but to meet the expense of maintaining such a large number of soldiers the sultan levied additional taxes this coincided coincided with famine in the area तो सुल्तान ने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाने लगे पेजेंट्स पर क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी थी वो ज़्यादा बड़ी थी अलाउद्दीन खिलजी से क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक सीज करना चाहता था ट्रांस ऑक्सियाना का इसीलिए लिए वहाँ पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया गया कि कुछ सालों में वहाँ पर फमीन की स्थिति बन गई मतलब लोगों के पास खाना नहीं था अपनी भूख को मिटाने के लिए द सोल्जर्स हैड टू बी पेड अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रैदर दैन इकताज द सोल्जर्स वाउंड

इनोवेटिव uh, था हम कह सकते हैं क्योंकि क्या होता था कि अलाउद्दीन खिलजी के ऑफ़िसर्स को अगर पता चल जाता था कि किसी ट्रेडर ने आ, अपने फिक्स दाम से ऊपर के दाम पर बेचा है तो उस ट्रेडर के मसल्स को कट कर लिया जाता था उस ट्रेडर को काफ़ी पनिश किया जाता था उसे आ, कोड़ों से मारा जाता था और इन चीज़ों के बारे में आप आ, बाकी बुक्स में पढ़ सकते हैं कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इम्पोज़ किया था वहाँ के लोगों पर muhammad tughlaq also paid his soldiers cash salaries but, but instead of controlling prices he used a token currency somewhat like present-day paper currency but made out of cheap metals not gold and silver people in the 14th century did not trust these coins they were very smart they saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with the token currency this cheap currency could also be counterfeited easily muhammad bin tughlaq ne ek, uh, currency which was wo hi token currency thi टोकन करेंसी में क्या होता है कि स्टेट के पास जितने गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं उनके हिसाब से जो आपकी करेंसी होता है उनका वैल्यू डिसाइड किया जाता है ये सिस्टम इफेक्टिव नहीं था और हुआ क्या कि कुछ ही दिनों में घर घर उन सिक्कों को बनाने की फैक्ट्रीज बन गई इन सिक्कों को काफी आसानी से कॉपी किया जा सकता था जिसके कारण जो स्टेट की ट्रेजरी थी इसे काफी लॉस हुआ कुछ सालों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इस रिफॉर्म को वापस ले लिया और हुआ क्या कि जो लोग थे उन्होंने इन्हीं कॉपर कॉइन्स को वापस कर दिया और उसके बदले स्टेट ने सिल्वर या गोल्ड के कॉइन्स उन्हें प्रोवाइड किए इससे मोहम्मद बिन तुगलक की जो ट्रेजरी थी वो पूरी तरह से खाली हो गई थी और इसे भी उसके एक बैड डिसीजन में गिना जाता है अलाउदीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकलेस प्रे हिज रीन फॉर इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड इन द मार्केट ट्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन्स तो अलाउद्दीन खिलजी के जो रिफॉर्म्स थे जैसा हमने देखा काफ़ी बेहतरीन ढंग से इम्पलीमेंट इं, किए गए थे और इस कारण उसका रेन एक हैप्पी और सक्सेसफुल रेन कहा जा सकता है उसने मंगोल इन्वेजन को भी सक्सेसफुली दूर किया था मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर हिस्सेन्स टू कश्मीर वॉज अ डिजास्टर एंडेड हिज लाज आर्मी मीन वाइल हज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्सेड कॉम्प्लिकेशन दिफ्टिंग ऑफल टू दौलताबाद वॉज रिजेंटेडिंग इन द गंगा यमुना बेल्ट लेट टू वाइड स्प्रेड रेबेलियन एंड currency हैड टू बी recalled. मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे वो सारे काफ़ी बुरी तरह से फेल किए जिस कारण उसके जो एरियाज थे उसके कंट्रोल में वहाँ रेबेलियन होने लगे दौलताबाद जाने वाला कंडीशन वाला जो सिस्टम था वो भी बैक फायर कर गया और उसने कभी भी ट्रांस ऑक्सियाना पर चढ़ाई नहीं की इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स फेलियर वी समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द सल्टनेट अल्तान प्लान कैंपेन टू कैप्चर अनलाइक टेरिटरीउदीन डिफेंसिव मेजर्स मोहम्मद मेजर्स एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द पर यहाँ पर एक शिफ्ट देखा जाता है डेही सुल्तनत के मेंटेलिटी uh, में इसके पहले जो भी डेली सुल्तान होते थे वो लोग डिफेंसिव मेजर्स इंप्लीमेंट करते थे मतलब वो लोग मंगोल से बचने की कोशिश करते थे लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी दिल्ली सुल्तान ने मंगोल्स पर चढ़ाई करने का फैसला लिया अगला हम लोग आते हैं द इन पर ठीक है लुक एट टेबल्स एंड एंड आगरा

Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. Shaysa Sur started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun. Eske this chapter, chapter of Mughal Empire. Shah captured Delhi and established his own dynasty. Although the Sur dynasty ruled for only 15 years, इट इंट्रोड्यूसड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्राम अलाउद्दीन खलजी एंड मेड दम मोर एंड एफिशियट शे शाह सूरी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो काफ़ी बेहतर थे और बाद में जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो शेर शाह सूरी के ही रिफॉर्म से इंस्पायर्ड थे शेर शाह सूरी ने ही रुपया जो हमारी करेंसी आज भी मानी जाती है उसे इंट्रोड्यूस किया था और जो ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी मार्ग जिसे कहा जाता है वो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही इस्टेब्लिश हुआ था Shah's administration became the model followed by the Great Emperor Akbar when he consolidated the Mughal Empire. The three orders, the Peace of God, Knights and Crusades. Ham the chapter international history The idea of three orders was first formulated in France in early 11th century. It divided society into three classes: those who prayed, those who fought, and those who tilled the land. This division of society into three orders was supported by the church. ट इट्स डॉमिनेट रोल इन दोसायटी दिस हेल्परजेंस ऑफ अरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स फ्रांस के इन तीन ऑर्डर के बारे में आप क्लास नाइन्थ में भी और डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन में ये जो तीन ऑर्डर का सिस्टम उस समय इस्टेब्लिश किया गया था वही आगे चलकर फ्रांस में रिवोल्यूशन की एक बड़ी वजह बनी यहाँ इस तीन ऑर्डर के सिस्टम से एक नया सोशल ग्रुप बन गया था जिसे नाइट्स के नाम से जाना जाता था The church patronized this group and used them to propagate the idea of peace of God. The attempt was to direct warriors away from conflict among themselves and send them instead to a campaign against the Muslims who captured the city of Jerusalem. This led to a series of campaigns called the Crusades. These campaigns, in the service of God and church, completely altered the status of knights. Originally, these knights did not belong to the class of nobles, but by the end of the 11th century in France and a century later in Germany, द हम्बल ऑरिजन्स ऑफ दिज वॉरियर्स वॉज फॉरगॉटन बाई द ट्वेल्थ सेंचुरी नोबिल्स ऑल्सो वॉन्टेड टू बी नोन एज नाइट्स ये नाइट्स को क्रूसेड्स में भेजा जाता था यरूसलम की तरफ अगर आप इंटरनेशनल हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यरूशलम तीनों जो मोनोथीस्टिक रिलिजन्स हैं उनका एक होली ग्राउंड है मतलब मुस्लिम्स के लिए ये थर्ड होलीस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है क्रिश्चन्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और जूस के भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है यहाँ पर मुस्लिम्स का कब्जा था लगभग सेवन्थ एट्थ सेंचुरी से और इसीलिए क्रिश्चियन चर्च जो थी यूरोप की वो चाहती थी कि इस सिटी को फिर से क्रिश्चियनिटी के अंडर लाया जाए इसीलिए उन्होंने क्रूसेड्स की शुरुआत की थी क्रूसेड्स काफ़ी सालों तक चले थे और करीब चौदह पंद्रह बार ऐसी सेनाएं भेजी गई थी यरूशलेम पर कब्ज़ा करने के लिए इन्हीं क्रूसेड्स के ज़रिए ये जो नाइट्स थे इनका जो सोशल स्टेटस था वो काफ़ी बढ़ गया था और कुछ सालों बाद जो नोबल्स हुआ करते थे यूरोप के वो भी खुद को नाइट्स कहना चाहते थे मतलब जो वॉरियर क्लास था वो लोग भी खुद को नाइट्स कहलाना चाहते थे क्योंकि नाइट्स की जो पोजीशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी यूरोप में इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलेंगे थैंक यू